विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर 3 नवंबर को पीएम मोदी सहरसा के पटेल मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आसपास के इलाके में भी सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सूरजभान सिंह ने कहा कि जनता अब बदलाव के मूड में है। यहाँ सुनने में आया है कि कुछ कुछ उम्मीदवार कुछ कार्यकर्ताओं को फोन से धमकाते हैं, धमकी से कुछ वोट नहीं टूटता है और पूरी बुलंदी से लड़ाई लड़ना। छपरा में एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर सीएन गुप्ता के समर्थन में प्रचार करने के लिए सीनियर स्टार मनोज तिवारी राजेंद्र स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से डॉक्टर सीएन गुप्ता के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रालोसपा अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर के मीनापुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान कुशवाहा ने लोगों से अपने पक्ष के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अगर वो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ से नौजवान लोग जाते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लिया हुआ, एमए पास बीए पास जाकर कहता है कि कहीं प्राइवेट में भी रखवा दीजिए, कंपनी में कहीं रखवा दीजिए, ज्यादा नहीं तो 5,000-7,000 लोग काम कर जाए। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जिले के लक्ष्मी चौक स्थित बाइक सवार दो अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। दुकान में था, हम बरामदा में, दुकान के ऊपर बरामदा है, उसमें खड़े थे। दो बाइक से आया, एक बाइक पर दो लोग आया है, दुकान में घुसा है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे किस लिए घुसा है। हम बरामदे में थे तब तक हल्ला हो गया, से गोली मार दिया। दौड़ते आए तब तक देखे एकदम लहूलुहान है। मसौढ़ी के पुनपुन नदी में शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पुलिस को नदी में शव तैरने की सूचना दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।